नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं फिर से आप सबके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप सबको नारियल की बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बतलाने वाली हूँ। इसके लिए हमें चाहिए है कच्चा नारियल, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है, एक बाउल है ये, थोड़ी सी हरे धनिया की पत्ती, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च, तड़के के लिए राई ले लेंगे। मेरे पास पीला सरसों है इसलिए मैंने उसे इस्तेमाल किया है। भुना चना दाल, थोड़ी सी नमक, हरी इलायची एक लेना है, चीनी, हरी मिर्च और लहसुन। सबसे पहले हरी मिर्च को तेल में थोड़ा भून लेंगे। एक कलछुल में तेल गरम कर लेंगे और उसमें हरी मिर्च डाल देंगे और इसे थोड़ा भून लेना है। हरी मिर्च की बस थोड़ी कलर चेंज होनी चाहिए। बस ये हो गई है, इसे निकाल लेंगे। अब एक मिक्सी के पॉट में ये भुनी हरी मिर्च, फोटा में भुना चना दाल, दो से तीन लहसुन, लहसुन की कलियां, ग्रेट किया हुआ नारियल, थोड़ी सी हरे धनिया की पत्ती, थोड़ा कड़ी पत्ता, हरी इलायची को बीज निकाल लेंगे, या ऐसे भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक, नमक बहुत थोड़ी डालनी है, बाद में चक्कर डाल दें, और थोड़ी सी चीनी। अब इसे अच्छी तरह से पीस लेना है और इसके स्मूथ पेस्ट बना लेना है। नारियल का पानी अगर हो तो नारियल के पानी से इस चटनी को पीसें, बहुत स्वादिष्ट लगती है। अगर नहीं हो, ख़त्म हो गई हो, तो नॉर्मल पानी से पीस सकते हैं। पहले इसे इसी तरह से पीस लेंगे, फिर पानी डालेंगे। देखें, अब इसमें पानी डालकर इसके स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। देखिए कितनी अच्छी सी पीस गई है। अब इसमें तड़का लगाएंगे। कितनी स्मूथ सी पीस गई है, अब इसे तड़का लगाते हैं। जिस कलछुल में मैंने मिर्ची फ्राई किया था उसी तेल को गर्म कर लेंगे और उसमें राई डाल देंगे। मेरे पास राई अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं सरसों का इस्तेमाल कर रही हूँ। लाल मिर्च और कड़ी, ये हो गई है, इसे तड़का लगा देंगे। इस तरह से नारियल की चटनी तैयार की जाती है। आप भी इसे बनाकर देखें, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। मैंने पहले भी एक नारियल की चटनी के वीडियो डाले हैं, आप देख सकते हैं। नारियल की चटनी बहुत तरीके से बनाई जाती है। आप इसे भी बनाकर देखें और अपने कमेंट्स में साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।